हेलो मित्र, नमस्कार। मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे जो व्यूअर हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमको यहाँ पर 568 का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक मेरे व्यूअर हैं, वो हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, शायद किन्नू शर्मा करके नाम है उनका। तो मैं उनके माध्यम से सभी को ही बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर 568 का जो एरियर है वो फैमिली पेंशनर के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 568 का एरियर कैलकुलेशन करने के लिए हमको 430, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 430 और 501 और ये 547, ये जो है ना, हमें तीनों का डाटा चाहिए। और इसमें आपको जैसे कि 400 430 में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या दिखा रहा है? डू नॉट अप्लाई टू द कमीशन ऑफिसर एंड देयर फैमिलीज एंड टू ऑल फैमिली पेंशनर्स ऑफ PBOR। तो आप इसको यहाँ क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं। सर्कुलर नंबर 501 में हम लोग दिखा देते हैं आपको, यही लिखा हुआ है, डू नॉट अप्लाई टू ऑल द फैमिली पेंशनर्स ऑफ JCOs, ORs एंड द कमीशन ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर 568 जो एरियर है वो फैमिली पेंशनर के लिए नहीं है। हो सकता है कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। एक कंडीशन में फैमिली पेंशनर्स उस एरियर को, 568 के एरियर को ले सकते हैं। उसकी कंडीशन है कि मित्रों, कोई भी जो पेंशनर हैं वो 2006 से पहले रिटायर हो जाते हैं, और उनको यहाँ 2016 में वो 568 का एरियर नहीं मिलता है। अब इसके बाद में उनका जो है, जो निधन है, वह 2020 में, 22 में, 23 में हो जाता है। अब उनके जो फैमिली हैं उनको मालूम होता है कि भाई हमको तो 500 जो है 68 का एरियर मिला ही नहीं। अगर वे लोग अप्लाई करते ही तो वो 568 का एरियर मिलेगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि ये जो एरियर है वो फैमिली पेंशनर्स को मिला है। वो तो उन्हीं को मिला है जब उस समय पर उनको मिला नहीं था, तो अब वो उनको मिल गया। फ्रेंड्स, बात ये है, बात वो नहीं है कि किसी फैमिली पेंशनर्स को ये 568 का जो एरियर है वो मिला है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम 568 की। तो देखिए, 568 में यहाँ पर जो नॉर्मल रेट है 3672 रुपये का है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 3672 रुपये का है। सिपाही के और नायक के लिए है 3855। तो मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे किन्हीं का यहाँ पर जो है फैमिली पेंशन जो है वो बेसिक है वो सेट किया होगा 2016 में, मतलब इस सर्कुलर जो 568 जारी किया गया है, तभी यहाँ आपको जो रेट है वो जारी किया गया है। सिपाही को 3672 एंड नायक को यहाँ पर 3855। तो फ्रेंड्स, इनको जो यहाँ पर मिला है तो इससे नीचे नहीं मिला होगा, उनको इतना ही मिला होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनके लिए भी ये यहाँ पर नहीं है। सर्कल नंबर 568 का जो एरियर है वो इनके लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये भी JCOs जो हैं वे भी यहाँ पर कमीशन ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर ये 568 का एरियर नहीं है। वो केवल और केवल, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिपाही हैं और नायक हैं इनके लिए यहाँ पर 568 का एरियर है। स्पेशली 568 में जो भी बेसिक है
उस तक लाने, उस बेसिस बेसिक तक लाने के लिए पिछले वाले जो यहाँ पे सर्कुलर जारी हुए और उनके बेसिक में और इस 568 के बेसिक में अंतर आ रहा है, तो उसको बराबर करने के लिए यहाँ पर उनको 568 का सर्कुलर का एरियर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, ये जो एरियर है 568 का, सर्कुलर नंबर 568 का, ये फैमिली पेंशनर्स के लिए नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।